मैं आज 29 अगस्त 2029 की समय धारा में जी रही हूं, लेकिन 32 साल पहले 29 अगस्त 1997 के दिन परमाणु आग की लपटों से 30 करोड़ इंसानी जिंदगियां खत्म हो गई थीं। जो बच गए उन्होंने इस जंग को नाम दिया था इंसाफ का दिन, लेकिन वो जिंदा रहे सिर्फ एक नए खौफ का सामना करने के लिए, एक नई जंग लड़ने के लिए, और वो जंग थी मशीनों के खिलाफ। मशीनों को नियंत्रित करने वाले मुख्य स्काइनेट कंप्यूटर ने 1984 में एक टर्मिनेटर यानी एक विनाशक को इस धरती पर भेजा, मुझे खत्म करने के लिए, क्योंकि मैं भविष्य की तबाही को साफ देख पाती थी। ये हुआ था जॉन के जन्म से पहले, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसके 13 साल बाद 1997 में स्काइनेट कंपनी ने 2 टर्मिनेटर यानी मशीनों को इंसानी रूप में इस धरती पर भेजा। उनमें से एक विनाशक का मिशन था मेरे बेटे जॉन को खत्म करना, जबकि वो सिर्फ बच्चा था। लेकिन उसे बचाने के लिए उन्होंने एक और टर्मिनेटर को रक्षक के रूप में भेजा, और वो था मेरे बेटे का रक्षक। अब सवाल ये था कि मेरे बेटे तक पहले कौन पहुंचेगा, विनाशक या रक्षक। और यही कहानी आज 32 साल बाद सन 2029 में मैं आपको सुनाने जा रही हूं।
हमें तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बूट और मोटरसाइकिल चाहिए। पहले हाथ फैलाकर कहो प्लीज। चाकू निकालो। ये लो। मेरे ग्रह क्लब को लूट नहीं सकता। चल नीचे उतर और माफी मांग सबसे। चुपचाप अंदर चल। क्या मैं इंस्पेक्टर डेविस बोल रहा हूँ। 6 स्ट्रीट के पुल के पास से जो सांता फे में है, लगता है यहाँ कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है। ठीक है डेविस, मैं अभी इत्तला करती हूँ। सभी यूनिट सुन लो, 6 स्ट्रीट का पुल जो सांता फे में है, लगता है वहाँ कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है। यहाँ पर एक मर्डर हुआ है।
नाबालिग गुनहगारों के नाम। नाम जॉन कॉनर। अपराध चोरी तोड़ फोड़। असली मां सैरा कॉनर। गोद लेने वाले माँ बाप टॉड और चैनल। जॉन चलो अभी अंदर जाओ और अपना कमरा साफ करो। जॉन तेरे ये नए माँ बाप बड़े चिड़चिड़े हैं ना? सच कहती हूँ मैं इस लड़के से तंग आ गई हूँ। वो मेरी एक बात नहीं मानता। टीवी के सामने से हटो ना। क्या तुम उस बददिमाग लड़के का कुछ करोगे या नहीं टॉड? अरे भाई क्या हुआ? एक महीना हो गया उसने अपना कमरा साफ नहीं किया। ओ ऐसा है क्या? मैं उसे अभी समझाता हूँ। चलो अंदर जाओ और जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा करो। वो मेरी माँ नहीं है टॉड। पेस्कडेरो मानसिक रोगियों का अस्पताल। हमारी अगली मरीज आप लोगों को काफी दिलचस्प लगेगी। काफी सालों से वो मेरी पेशेंट है। सीधा चल। वो एक 29 साल की महिला है जिसमें मानसिक बीमारी के सारे लक्षण हैं। वही आम लक्षण उदासी तनाव चीखना चिल्लाना अजीबोगरीब बातें करना। बहुत ही अजीब किस्म के भ्रम है इस मरीज को। वो मानती है कि विनाशक नाम की एक मशीन जो हूबहू इंसान लगती है भविष्य काल से उसे मारने के लिए भेजी गई है। ऐसा सोचती है वो। चलिए कहानी में कुछ नयापन तो है। आगे सुनिए। उसके बच्चे का बाप एक सिपाही था जो उसकी हिफाजत करने के लिए भेजा गया था। कहाँ से? जाहिर है वो भी भविष्य से आया था। सन 2029 से या कुछ ऐसा ही मुझे नहीं मालूम। लीजिए खुद ही मिल लीजिए। कैसी हो सारा? मुझे क्या हुआ है डॉक्टर सिल्वरमैन? आपका घुटना कैसा है? ठीक है सारा। इसने एक हफ्ता पहले मेरे घुटने में मेरा ही पेन घुसा दिया था। मैं तो तंग आ चुका हूँ इससे। बार बार कभी रोना कभी हंसना बात बात पर डर जाना दुनिया की तबाही की भविष्यवाणी करना। लो और आइए चलते हैं। डगलस मैं नहीं चाहता कि मरीज इस तरह अपने कमरे में उछल कूद मचाते रहें। इसे इसकी दवाई दे देना। जरूर डॉक्टर सिल्वरमैन आप फिक्र ना करें। क्या आप ही ने गोद लिया है जॉन कॉनर को? जी हाँ इंस्पेक्टर। अब उसने क्या किया है? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकते क्योंकि वो सुबह ही अपनी बाइक लेकर चला गया है। पता नहीं कहाँ गया है। क्या आपके पास कोई फोटो होगी जॉन की? हाँ है अभी लाती हूँ।
आप मुझे बताएंगे माजरा क्या है? बस उससे चंद सवालात करने थे। बड़ा प्यारा लड़का है जॉन, क्या मैं ये फोटो अपने पास रख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक और आदमी आज इसके बारे में पूछ रहा था। हाँ, हट्टा कट्टा आदमी, बाइक पर। क्या उसी सिलसिले में आप पूछताछ कर रहे हैं? नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चुराया हुआ एटीएम मशीन में डालें। पिन नंबर। अरे जल्दी कर यार, हमें कोई देख लेगा। चल मेरे कंप्यूटर, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, पिन नंबर। अरे यार, तूने कारीगरी सीखी कहाँ से? मेरी माँ से, मतलब मेरी असली माँ से। निकालो 300 रुपए। आजा बेटा, आजा आजा आजा। आ गया। क्या बात है, देखा, मुफ्त के पैसे। चल, ये बाएं हाथ का खेल था। यही तेरी असली माँ है? हाँ। काफी अकलमंद होगी, है ना? अकलमंद नहीं है, पागल है रे। इसीलिए उसे इतने दिनों से पागल खाने में बंद कर रखा है। उसने कोई कंप्यूटर फैक्ट्री बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गिरफ्तार कर दिया। क्या कह रहा है? पागल है वो। चल ये पैसे उड़ाते हैं।
कोई बड़ा सा रोशनी का गोला मेरी आंखों को चौंधियाता हुआ। फिर भी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। आप जानते हैं कि हर रात मुझे यही सपने आते हैं, फिर क्यों मुझे बार बार बोलती रहो? बच्चे जले हुए कागज के टुकड़े जैसे काले से एकदम निश्चल, फिर एक के बाद एक धमाकों की आवाज। और बच्चे पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। कयामत के सपने, पूरी दुनिया की तबाही के सपने, ये तो बड़ी आम बात है। ये सिर्फ सपने नहीं है बेवकूफ, ये हकीकत है। मुझे कयामत की तारीख भी मालूम है। चेहरा मैं जानता हूँ, तुम्हें ये सब असली लगता है। 29 अगस्त 1997 को तुम्हें भी असलियत का अंदाजा हो जाएगा। दुनिया को उसकी परवाह हो या ना हो, उस दिन सब कुछ तबाह हो जाएगा। सब कुछ वो विनाशक तबाह कर देगा, समझे? शांत हो जाओ। तुम समझते हो तुम्हें कोई खतरा नहीं, तुम जिंदा हो, सुरक्षित हो, पर तुम मर चुके हो। सब के सब, ये तुम, पूरी दुनिया, सारी दुनिया, तुम सब मर जाओगे। सब खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ये होने वाला है, ये होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। अब मैं पहले से बेहतर हूँ, सच कह रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बर्ताव तो काफी सुधर गया है आजकल। अब मुझे सब समझ में आ गया है डॉक्टर, अब मैं भविष्य के बारे में सोच सकती हूँ। तो क्या सोचा है? देखिए, आपने कहा था कि अगर 6 महीने में मेरा बर्ताव सुधर गया तो आप मुझे दूसरी जगह भेज देंगे जहां कम पहरा होगा और मैं लोगों से मिल सकूंगी। और क्या है कि अब तो 6 महीने पूरे हो चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ। ये अच्छी बात है। अच्छा, जरा एक बार फिर से बताओ उन विनाशक मशीनों के बारे में। अब तुम्हारा कहना है वो कभी थी ही नहीं। वो कभी नहीं थी, अब मुझे यकीन हो गया है। पर तुमने तो मुझे बार बार कहा था कि तुमने उनमें से एक को कंप्यूटर फैक्ट्री में कुचल कर मारा था। अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो कोई सबूत जरूर मिलता, मगर आपने कहा कि उस फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, तो अब तुम्हें बिल्कुल नहीं लगता कि कंपनी ने इस पर पर्दा डाल रखा है? क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर डायसन, मिस्टर डायसन, हमारे वैज्ञानिकों की टीम एक बार फिर। मिस्टर डायसन, हमारे वैज्ञानिकों की टीम कुछ और टेस्ट करना चाहती है, आपके दस्तखत चाहिए उस चीज को निकालने के लिए। ठीक है, आओ, खुद निकाल के देता हूँ मैं। जी देखिए मिस्टर डायसन, मुझे यहाँ काम करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं, मतलब क्या आपको पता है? क्या पता है? मतलब क्या आपको पता है कि वो चीज आई कहाँ से? जानते हो, एक बार मैंने भी यही सवाल किया था, और पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? सवाल मत करो। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो तुम? ठीक हो सर? चाबी डालिए बाई तरफ, 3 2 1 घुमाइए। आपके घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। तक मुझे पता नहीं चला कि आखिर ये चीज आई कहां से।
अब आपका क्या ख्याल है डॉक्टर? हालत में मेरी कुछ सुधार हुआ है ना? देखो सेरा, समस्या ये है, मैं जानता हूं तुम चालाक हो और तुम मुझे वही सब बता रही हो जो मैं सुनना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी तुम आज मुझसे कह रही हो उस पर खुद तुम्हें यकीन है। अगर मैंने तुम पर पहरा कम किया तो तुम फिर भागने की कोशिश करोगी। मुझे मेरे बेटे से मिलने दीजिए प्लीज, प्लीज। उसकी जान को खतरा है, मेरे सिवा उसका और कोई नहीं। अगर एक बार उससे फोन पे बात कर सकूं। हरगिज़ नहीं, फिलहाल तो नहीं। मेरे पास एक ही चारा बचा है कि अगले 6 महीनों के लिए तुम्हें यहीं कैद रखा जाए। तेरे सीने में दिल नहीं है, छोड़ोगी नहीं? छोड़ो, कहती थी पहरा कम करो। थ्रोड वाला पार्लर, जल्द वापस आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। सुनो, तुम जानती हो जॉन कॉनर को? नहीं, अब तुम चलो, तुम्हारी बारी। ठीक है। ए, तुम जानते हो उसे? मैं नहीं पहचानता। अरे ठहरना, अभी नहीं। वहाँ एक पुलिस वाला तुझे ढूंढ रहा है, वो देख। इस लड़के को देखा? वो वहाँ है। गेम छोड़ और भाग यहाँ से। ठीक है। मेरे ख्याल से वो उस तरफ।
कहां जाते हैं ये पिल्ले।
तुम एक विनाशक हो ना, मतलब जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। हाँ, लेकिन हम विनाशक नहीं, हम रक्षक हैं जॉन। क्या? यकीन नहीं होता तुम सचमुच वही हो। तुम अंदर से एक मशीन हो, है ना, और बाहर से जिंदा हो। हम कंप्यूटर की रचना है, धातु के कंकाल के ऊपर जिंदा चमड़ी। तो ये सच है, तुम एक मशीन हो, लेकिन तुम यहां मुझे मारने नहीं आए, शायद इसलिए तुमने मुझे उससे बचाया। अब तुम क्या चाहते हो? मेरा काम है तुम्हारी रक्षा करना। अच्छा, किसने भेजा तुम्हें? स्काईनेट कंप्यूटर ने। उन्होंने दो मशीनों को इस धरती पर भेजा है, एक विनाशक और एक रक्षक, और तुम्हारी रक्षा मेरा मिशन है। ये तो सर के ऊपर गया। हमारी तरह नहीं, वो विनाशक की 1000 हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुमसे भी ज्यादा ताकतवर? हाँ, मिश्रण है वो अनेक धातुओं का। इसका क्या मतलब? पिघला हुआ धातु। पिघला हुआ धातु? हम कहाँ जा रहे हैं? अभी इसी वक्त हमें ये शहर छोड़ देना होगा, और वो भी पुलिस से बचकर। तो पहले मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे कुछ सामान उठाना है। हरगिज नहीं, क्योंकि T-1000 वहाँ जाकर जरूर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन क्यों? बहुत सवाल करते हो। देखो, वो दोनों मेरे असली माँ बाप नहीं है, पर उन्हें आगाह करना होगा। छोटे पैसे हैं? हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। जॉन? हाँ, क्या सब कुछ ठीक है? तुम लोग ठीक हो? हाँ, सब कुछ ठीक है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। जॉन, काफी देर हो गई है बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी थी। अगर तुम जल्दी लौट आओ तो हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मैं तुम्हारे पसंद का खाना बना रही हूँ। कुछ गड़बड़ है, कभी इतने प्यार से बात नहीं की उसने। जॉन, कहाँ हो तुम? अरे यार, ये मनहूस कुत्ता भौंक क्यों रहा है? ओए, भौंकना बंद कर। मनहूस कुत्ता कहेगा? कुत्ता इतना क्यों भौंक रहा है? तुम जॉन से कहो दफा करे उस मनहूस कुत्ते को। जॉन बेटा, बहुत रात हो चुकी है मुझे, और परेशान मत करो। वो वहाँ पहुँच गया क्या? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। पक्का? पक्का तुम ठीक हो? कुत्ते का क्या नाम है? मैक्स। वुल्फी को क्या हुआ? वो भौंक क्यों रहा है? उसे खाना दिया ना? बोलो ना। वुल्फी ठीक है, वुल्फी बिल्कुल ठीक है। कहाँ हो तुम? तुम्हें गोद लेने वाले माँ बाप मर चुके हैं। यकीन नहीं हो रहा है, तुम ये कहना चाहते हो कि जिस किसी चीज को भी वो छू ले वो उसकी नकल कर सकता है? कोई भी ऐसी चीज जिसे उसका शरीर छू ले। ये कैसे हो सकता है? मतलब वो कुछ भी बन सकता है, जैसे सिगरेट का पैकेट? हरगिज नहीं, सिर्फ अपने नाप की कोई चीज। तो वो कोई बॉम्ब वगैरह बनकर मुझे क्यों नहीं मार देता? पेचीदा मशीनें बनाना उसके बस में नहीं है। बम वगैरह में केमिकल्स होते हैं, चलते फिरते पुर्जे होते हैं जिनकी नकल करना मुश्किल है, पर वो ठोस धातु की आकृति ले सकता है। जैसे कि
चाकू या फिर नुकीले हथियार। ये तस्वीरें कुछ साल पहले वेस्ट हाईलैंड पुलिस स्टेशन के वीडियो कैमरा से ली गई थी। उस रात इसने 17 पुलिस अफसरों को मारा था जो परिवार वाले थे, जिनके बच्चे थे। और ये तस्वीरें आज एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किसी टूरिस्ट ने खींची। मैडम, हमें पता है कि आप जानती हैं यह शख्स कौन है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपका बेटा लापता है। उसे गोद लेने वाले माता पिता को कत्ल कर दिया गया है और इस सब का जिम्मेदार यही शख्स है। क्या इस सब का आप पर कोई असर नहीं? क्या आपको जरा भी फिक्र नहीं? हम यहां अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, चलो यहां से। सॉरी ऑफिसर, ये बार बार आपको घुमा फिराकर किसी विनाशक किसी कंप्यूटर के बारे में ही बोलेगी। ये अब हमारे किसी काम की नहीं रही। जिंदा लाश है ये, अब जिंदा लाश और कुछ नहीं। हद है। डगलस, इसे इसकी कोठरी में ले जाओ। जी सर। चलिए महारानी साहिबा। वैसे हमने काफी समय बिताया निकारागुआ में और ऐसी ही जगहों पर। कुछ समय तक माँ किसी आर्मी अफसर के साथ रही थी, बंदूकों की स्मगलिंग करती थी। फिर हम कुछ दूसरे किस्म के लोगों के साथ रहे। माँ किसी के साथ मिलजुल लेती थी जिससे वो कुछ सीख सकती, ताकि वो मुझे एक बहुत बड़ा सोल्जर बना सके। फिर वो पकड़ी गई। लोगों ने कहा, जानते हो तुम्हारी माँ तो पागल है, तुम्हें नहीं मालूम। ऐसा लगा मानो बचपन से मैं जो कुछ मानता आया था वो सब कुछ बकवास था। मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई थी, पर उन्होंने जो कुछ कहा वो सच निकला। वो जानती थी और किसी ने उनका विश्वास नहीं किया, मैंने भी नहीं। सुनो, हमें उनको वहां से निकालना होगा। हरगिज नहीं। यकीनन T-1000 का अगला कदम होगा अस्पताल में जाकर तुम्हारी माँ का हमशक्ल बने और इंतजार करे कि तुम आकर उससे मिलो। अच्छा, तो मेरी माँ का क्या होगा? हमशक्ल बनते ही असली का फौरन विनाश कर दिया जाता है। क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमें अभी जाना होगा। हमारा मिशन तुम्हारी माँ की रक्षा करना नहीं है। तुम्हारे मिशन की मुझे कोई परवाह नहीं, वो मेरी माँ है, समझे? छोड़ो मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे, बचाओ। ये ठीक नहीं है हमारे मिशन। बचाओ मुझे इस पागल से, छुड़ाओ कोई है? बचाओ कोई मुझे इससे, बचाओ बचाओ, मुझे जाने दो। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? तुम्ही ने कहा था छोड़ दो। तो क्या मैं जो कहूं तुम वही मानोगे? हमारा काम है तुम्हारा हुक्म मानना। करके दिखाओ। एक टांग पर खड़े हो जाओ। शाबाश, मेरा अपना टर्मिनेटर। वाह, तुम ठीक हो बच्चे? चल जा, हट बेवकूफ। अरे चल ना यार, तू चल। ठहर ना यार। अब बेट टपोरी, क्या समझता है तू अपने आप को? टपोरी, एक मिनट। अरे चलना यार, पांव नीचे रखो। क्या तुमने मुझे टपोरी कहा? चलना यार। ठहरना यार, इसे सबक सिखाओ, चलो शुरू हो जाओ। अब बताओ टपोरी कौन है, बताओ बताओ। नहीं, बंदूक नीचे करो अभी। जाओ यहाँ से। चल चल यहाँ से, चल। बाप रे, तुम तो उसकी जान ही ले लेते। तुम्ही ने कहा था इसे सबक सिखाओ। मेरी बात सुनो और हमेशा याद रखना, तुम एक टर्मिनेटर हो पर विनाशक नहीं, समझे?
तुम समझे क्या? जब मर्जी आए किसी को खाली पीली नहीं मार सकते। क्यों नहीं? क्या मतलब तुम्हारा क्यों नहीं? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं करते। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ जाओगे, मेरी मदद करोगे। सुनिए, आपके यहाँ सैरा कॉनर नाम की पेशेंट से मिल सकता हूँ? आप काफी देर से आए ऑफिसर, आपके बाकी साथी एक घंटे से अंदर हैं। एक मिनट, मैं गेट खोलती हूँ। लो, आपके साथी बाहर आ गए। क्या बात है? ग्लेन, कॉफी पियोगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दूध मिलेगा क्या? बच्ची हो क्या? मेरे कॉफी के कप पर तीन निक्के हैं। तकदीर वाले हो तुम। आज मेरी किस्मत अच्छी है।
अच्छा सुनो, ये दवाइयाँ बहुत ही जरूरी है, कल सुबह मंगवा लेना और इस काम में देरी मत करना, ठीक है? ठीक है सर। मेरा हाथ तोड़ दिया। इंसान के जिस्म में 215 हड्डियां होती हैं, अभी तो एक ही तोड़ी है, हिलो मत। तुम क्या करने वाली हो? हम यहां रुक क्यों गए? देखो, तुम मुझसे वादा करो, तुम किसी की जान नहीं लोगे, ठीक है? हाँ ठीक। वादा? वादा क्या? अपना हाथ उठाओ और कहो, मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं मारूंगा। हम वादा करते हैं, हम किसी को नहीं मारेंगे। ठीक है, अब चलो। मरीजों से मिलने का समय शाम तक होता है, आधी रात के बाद नहीं। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तूने मुझे गोली मार दी, तुझे मैं देख लूंगा। वो मरेगा नहीं। सारे दरवाजे चेक किए? हाँ, मैंने सारे दरवाजे चेक किए, लेकिन ठीक से बंद कर। अरे ये देखो क्या है, मैं कहती हूँ छोड़ दो डॉक्टर सिल्वरमैन को। गेट खोलो वरना इसे जहर का इंजेक्शन दे दूंगी। कोई फायदा नहीं कॉनर, छोड़ दो इन्हें। गेट खोलो वरना मैं इसे। छोड़ दो सहरा, मैं छोड़ दो। देखो सहरा, तुम कातिल नहीं हो, तुम मुझे कभी नहीं मार सकती। तुम्हें तो क्या सिल्वर मैन, यहाँ से निकलने के लिए मैं किसी को भी मार सकती हूँ। उनसे फौरन कहो दरवाजा खोले। गेट खोल दो, गेट खोल दो। पीछे हटो, पीछे हटो वरना इसे इंजेक्शन लगा दूंगी। पीछे हटो, पीछे 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 हटो। हिलो मत, डंडा नीचे रखो। रख दो, रख दो। तुम दोनों नीचे लेट जाओ फौरन। तुम नहीं, तुम दरवाजा खोलो, उसे खोल के रखो, नीचे लेट जाओ फौरन। पकड़ो इसे, ये भागने न पाए। कैसे खोलूं? चाबी फंस गई दरवाजे के अंदर। वो भाग रही है, जल्दी करो। रुको,
माँ तुम ठीक हो? माँ, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है, अब ये रक्षक है। अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ चलो। माँ वो सच कह रहा है, वो हमारी रक्षा करने आया है। चलो माँ चलो। गाड़ी चलाओ। चला गया, अब वो हमारा पीछा नहीं कर रहा।
क्या तुम ठीक हो? हाँ। अरे तुम्हें अंधेरे में कुछ दिखाई भी दे रहा है? सब दिखाई दे रहा है। अच्छा इधर आओ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। जॉन तुम्हारा वहां आना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। तुम्हें मैंने इतना सब कुछ समझाया था और तुम फिर भी वहां चले आए। आखिर किस लिए? क्या सोच कर आए थे तुम? तुम खुद को खतरे में नहीं डाल सकते, मेरे लिए भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना? तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, कुछ समझे? मगर वहां से मैं सिर्फ तुम्हें निकालना चाहता था, मेरा यकीन करो। उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी, मैं अपने आप ही निकल सकती थी। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे बारे में कुछ जान सकती हूँ? तुम ठीक तो? ठीक हो। वाह, तुम्हारी मोटरसाइकिल अच्छी है। ए, इतनी जोर से क्यों खींच रहे हो? सुनो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? हम इंसानी शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं। तभी तुम इतने अच्छे कातिल हो, सही कहा ना? सही कहा। जब तुम्हें गोली लगती है तो दर्द नहीं होता? हमें चोट लगती है तो पता चलता है, शायद इसी को दर्द कहते होंगे। जॉन रोशनी इधर करना, ये घाव भर तो जाएंगे ना? हाँ। फिर ठीक है, क्योंकि अगर तुम इंसान ही नहीं दिखोगे तो हमारे किसी काम के नहीं। तुम लोग कितने साल जिंदा रहते हो, मतलब चलते हो? हमारी बैटरी लगातार 120 साल तक चलती है। क्या तुम कुछ नया सीख सकते हो, मतलब तुम्हारे प्रोग्राम बदले जा सकते हैं ताकि तुम मतलब मशीन कम और इंसान ज्यादा लगो? हमारी कंप्यूटर मशीन में एक खास किस्म का सिस्टम है, एक सीखने वाला कंप्यूटर। जितना ज्यादा हमारा इंसानों से संपर्क रहेगा उतना ज्यादा हम सीख पाएंगे। अच्छा।
इसे चाबी से खोलना सीखेंगे मिस्टर? हमें शहर से जितनी दूर हो सके निकल जाना होगा। गाड़ी को दक्षिण की ओर ले चलो। गाड़ी को ज्यादा तेज मत चलाओ, नहीं तो पुलिस वाले बेकार में पकड़ेंगे। समझ गया। देखो 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 दोस्त, तुम्हारी ये बोली तुम्हें जरा सुधारनी चाहिए। ये तुम्हारी समझ गया हरगिज नहीं बड़ी मशीनी भाषा लगती है। थोड़ी सी स्टाइल होनी चाहिए बिड़ू। अगर तुम्हें कोई हुल दे तो तुम कहो ए चलना कल्टी, और अगर तुम्हें किसी को हुल देनी हो तो कहो हटा सावन की घटा बस क्या। हटा सावन की घटा बस क्या। हाँ, या फिर बोलो पतली गली पकड़, या अगर कोई बुरा माने तो कहना छोड़ना यार, या तुम इनकी खिचड़ी भी पका सकते हो। छोड़ना यार, अब आने दे। देखा तुम सीख रहे हो। ये तो शुरुआत है बीड़ू। और कुछ खाओगी माँ? तुम्हें कभी भूख नहीं लगती? नहीं। हमें से कोई नहीं बचेगा, है ना? मेरा मतलब हम इंसान। खुद को तबाह करना तुम इंसानों की फितरत है। हाँ, बेवकूफी है, है ना? ये झगड़ा तुम दोनों, और चलो यहाँ से। चलो। आखिर ये स्काईनेट कंप्यूटर किसने बनाया, मैं जानना चाहती हूँ। जिस आदमी का उसमें सबसे बड़ा हाथ है वो है माइल्स बेनेट डायसन। वो कौन है? वो साइबर डाइन कंपनी में विशेष खोज विभाग का डायरेक्टर है। वो क्या करना चाहता है? कुछ ही महीनों में वो बिल्कुल एक नए किस्म का माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाला है। और फिर क्या होगा? 3 साल के अंदर अंदर साइबरडाइन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कंप्यूटर सिस्टम की सप्लायर बन जाएगी। हर एक बॉम्ब गिराने वाले हवाई जहाज में साइबरडाइन कंप्यूटर लगेंगे, जिसमें पायलट की जरूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से वो अपने आप उड़ान भरने के लायक हो जाएंगे। सरकार ने स्काईनेट कंप्यूटर्स को फंड्स दे दिए हैं और ये कंप्यूटर का पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा सिर्फ कुछ ही महीनों में, जिसमें जंग के दौरान इंसानी फैसले लागू नहीं होंगे। स्काईनेट मशीन तेजी से सब कुछ सीखने और समझने लगेगी, उसे अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, और आज से ठीक 2 महीने के बाद सुबह 9 बजे इसका एहसास होते ही लोग अपने अपने कंप्यूटर्स बंद कर देना चाहेंगे। और स्काईनेट जवाबी हमला करेगा? हाँ, वो सबसे पहले अपना मिसाइल रूस की तरफ ही छोड़ेगा। क्यों? रूस पर ही क्यों? इससे क्या हासिल होगा? क्योंकि स्काईनेट कंप्यूटर जानता है कि रूस के जवाबी हमले से यहाँ पर तबाही मच जाएगी। तुम डायसन के बारे में कितना जानते हो? जितना वो खुद अपने बारे में नहीं जानता। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ।
वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, सब कुछ। तुम दोनों गाड़ी में ही रुको। एनरिके, कहाँ हो तुम? तुझे क्या हो गया सरा? कुछ भी नहीं है। लेकिन तू अभी बिल्कुल पहले जैसा ही है एनरिके। सरा, मुझे मालूम था तू एक दिन जरूर आएगी। है, बच्चे बच्चे? अरे एक नहीं, दो दो बच्चे हैं मेरे अब। ए जॉनता, अरे बाहर आकर देख तो कौन आया है, दोनों बच्चों को ले आ। फाइटर जॉन कितना बड़ा हो गया। कैसे हैं? ये लंबा गोरिल्ला कौन है? ये हमारे साथ है अंकल, घूमने आए हैं। ये एक ये बॉब चाचा है। बॉब चाचा, ये है एनरिके। बॉब चाचा, तुम कैसी हो? ठीक है, ठीक है। कैसे हो तुम? कैसी हो आंटी? क्या बात है, इतने दुबले हो गए हो? खाना वाना नहीं खाते हो क्या? पियोगे? तू ले चाचा बॉब। तो सरा मेरी जान, तू तो अच्छी खासी मशहूर हो गई है। आए दिन टीवी पर तेरी, जॉन की और तेरे इस लंबे चौड़े दोस्त की फोटो दिखाई जाती है। पुलिस तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है। तुझे मदद चाहिए ना? मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ, कुछ कपड़े, खाना और तुम्हारा ट्रक चाहिए। मेरी जान, अब ले ही रही है तो मेरे खाने के बर्तन भी ले जाओ, जल्दी लेकर आओ। और तुम दोनों हथियारों का बंदोबस्त करो। चलो चले। Thank you.
कहा था ना माँ हथियारों की स्मगलिंग करती थी। देखा ना अब ये काम आएंगे। अच्छे हैं। ले मैंने इसकी टंकी फुल कर दी। ये मेरा सबसे अच्छा ट्रक है पर इसका स्टार्टर जरा खराब है। तेरे पास इसे बदलने का वक्त है? हाँ है, हम अंधेरा होने के बाद ही बॉर्डर पार करेंगे। ठीक है। मैं ऐसे माहौल में ही पला हूँ तो सोचा दुनिया में सब लोग ऐसे ही रहते हैं, हथियार के साथ घूमते फिरते हैं। पता है मुझे गोला बारूद के बारे में काफी कुछ मालूम है। मुस्कुरा रहे हो या डरा रहे हो? मेरे पापा के अलावा बाकी सारे मर्द बिल्कुल बेकार थे। हाँ एक आदमी था जो जरा ठीक ठाक था, उसने मुझे इंजनों के बारे में सिखाया। यहाँ पकड़ो। माँ ने उसे भी नहीं रहने दिया। आज नहीं तो कल वो सबको कयामत के दिन के बारे में बताती थी और वो सब लोग माँ को पागल समझकर छोड़ जाते थे। 12 नंबर की चाबी दो। ये लो। काश मैं एक बार अपने असली पापा से मिल पाता। जरूर मिलोगे। हाँ मिलूंगा तो जरूर। माँ भी यही कहती रहती है। पापा को मैंने कभी देखा तो नहीं मगर शायद उनकी उम्र आज तुम्हारे जितनी ही होगी। पता नहीं उन्हें कब देख पाऊंगा। वो पेज देना। हाँ ये लो। माँ और पापा बहुत कम समय एक साथ रहे लेकिन वो अब भी उन्हें चाहती है। कभी कभी मैंने उन्हें रोते देखा है पर वो इस बात से साफ मुकर जाती है, कहती है उनकी आंख में कुछ चला गया है। तुम रोते क्यों हो? मतलब हम आंसू क्यों बहाते हैं? हाँ। नहीं मालूम, हम बस रोते हैं जब हमें दुख होता है। रोने की वजह दुख है? हाँ कुछ ऐसा ही। देखो अगर तुम्हारे अपने तुमसे बिछड़ जाए तो दुख तो होगा ही, होगा कि नहीं? नहीं। शाबाश, ये हुई ना बात। ये तो शुरुआत है बिडू। तो दे ताली। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, हाथ आगे करो। ये हुई ना बात। अच्छा अब तुम मुझे ताली दो। हाँ शाबाश। हाथ है कि हथौड़ा। अच्छा अब हाथ ऊपर करो। ऊपर ऊपर। हे हे, अब नीचे। लल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। चलो फिर से कोशिश करते हैं। हाँ अब फिर से। हाँ।
जॉन को उस मशीनी इंसान के साथ देखकर अचानक मुझे विश्वास हो गया कि वो जॉन को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वो हमेशा उसके आसपास रहेगा, उसका रक्षक बनकर। वो जॉन को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, उस पर चिल्लाएगा नहीं या शराब पीकर उसे मारेगा नहीं, या ये नहीं कहेगा कि उसके पास उसके साथ गुजारने के लिए वक्त नहीं है। वो जॉन की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। कितने मर्द आए जॉन का पिता बनने के लिए और चले भी गए, पर वो चीज, वो मशीनी इंसान जॉन का बाप होने का सबसे करीबी एहसास दिला गया मुझे। इस गंदे बीमार समाज के इंसानों से कहीं ज्यादा अच्छा है ये मशीन इंसान। दो साल पहले मैंने अपनी खुशहाल जिंदगी तबाह होते हुए देखी थी जब मुझे पागल करार दिया गया। बोली तुम अपने प्लान के मुताबिक इसके साथ दक्षिण की तरफ जाओ, वो तुमको बुलाकर मिलेगी। माँ रुको, ऐसा कोई अंत नहीं जिसे हम ना बनाए। मेरे पापा ने ये कहा था मेरी माँ से, मतलब मैं ये कहावत बचपन से अपनी माँ से सुनता आया हूँ। ऐसा ही कुछ था। सुनो, अब मुझे याद आया, मेरी माँ कहती है
कि वो भविष्य की तस्वीर देख सकती है, लेकिन उसके अंत को हम चाहे तो बदल सकते हैं। वो भविष्य को बदलना चाहती है। हाँ, ऐसा ही कुछ। अरे बाप रे, डायसन। हाँ, वो वहां गई है। माइल्स डायसन, वो उसे मारने वाली है। चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। ये टर्मिनेटर के उसूलों के खिलाफ है। तुम गाड़ी जल्दी चलाओ। ये 1000 के पास भी उतनी ताकत है जितनी हमारे पास, वो भी उतना ही जानता जितना कि हम। वो तुम्हारी माँ की चाल को समझ लेगा। मुझे परवाह नहीं, हमें माँ को रोकना होगा। टाइसन को मार देने से शायद जंग हो ही ना। मुझे परवाह नहीं है। क्या अब तक तुम कुछ नहीं सीखे? क्या तुम नहीं समझते कि लोगों को मारना नहीं चाहिए? जेनी, मैंने तुमसे कहा ना कि सोने जाओ। जेनी, मैं 5 मिनट और खेलूंगा। जेनी, तुम्हारे 5 मिनट खत्म हो गए हैं। चलो ब्रश करो और बिस्तर में सोने जाओ। चलो। Oh,
डैडी, हमें आने में देर हो गई। उन्हें संभालो। मेरी तरफ देखो माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ, मैंने उसे मार दिया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम कोई रास्ता निकालेंगे, ठीक है? मैं वादा करता हूँ। तुम रोकने आए हो ना मुझे? हाँ, रोकने आया था। बहुत चाहती हूँ तुम्हें, बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें। मैं जानता हूँ माँ। गोली आर पार निकल गई, कोई हड्डी नहीं टूटी। यहां दबा कर रखो, इससे खून का बहाव रुक जाएगा। कौन हो तुम लोग? बताओ इन्हें। सुनो दोस्त, चलो हम तुम्हारे कमरे में जाकर खेलते हैं, ठीक है? चलो चलो। और अब तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। और इस तरह तुमने स्काईनेट कंप्यूटर बनाने में मदद की। रक्षक कहता गया और डायसन सुनता रहा। स्काईनेट के बारे में, कयामत के दिन के बारे में, आने वाले भविष्य के इतिहास के बारे में। उसे बताया गया कि वो 30 करोड़ इंसानों की मौत का जिम्मेदार है। और डायसन काफी देर तक खामोश बैठा रहा। मेरी वजह से सब कुछ तबाह हो जाएगा, हाँ? लेकिन आप लोग मुझ पर उस जुर्म का इल्जाम लगा रहे हैं जो अब तक मैंने किया ही नहीं। कल क्या होगा ये किसको पता? सही कहा, तुम्हें कल की खबर कैसे होगी? तुम्हारे जैसे बुद्धिजीवियों ने ही हाइड्रोजन बम बनाया था, तुम्हारे जैसे लोगों ने ही महायुद्ध करवाए। खुद को रचनाकार समझते हो? तुमने तबाही मचाने वाली चीजें बनाने के अलावा और कोई चीज बनाई है? किसी जिंदगी को अपने अंदर बनते या जन्म लेते हुए महसूस किया है? नहीं किया। तुम्हें तो सिर्फ मौत की रचना करनी आती है। बाकी की बहस बाद में भी हो सकती है कि नहीं? हमें अभी इस सबको रोकने के बारे में सोचना है। पर अब जब हमें मालूम हो चुका है कि आगे क्या होने वाला है, तो तुम स्काईनेट कंप्यूटर का विनाश क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं किसी भी सूरत में नया प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, अब तो हरगिज नहीं, मुझसे होगा ही नहीं। मैं कल ही साइबरडाइन कंपनी से इस्तीफा दे दूंगा। इतना करना ही काफी नहीं? तुम्हारी खोज आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो फिर मुझे हमारी लैब से सब कुछ मिटा देना होगा। सारी फाइलें, डिस्क ड्राइव, सब कुछ, जो कुछ भी मैंने जमा किया है, सब कुछ। जो होगा देखा जाएगा। चिप, वो चिप के बारे में जानते हो? कौन सा चिप? उन्होंने उसे साइबरडाइन के एक वॉल्ट में रखा है। तुम्हारी तरह दूसरे विनाशक से मिला होगा। वो जरूर पहले विनाशक का होगा। कमबख्त, डॉक्टर मुझे कैद में रखा। हमसे कहा गया था कि हम उनसे ना पूछें कि उन्हें ये कहां मिला।
मैंने कहा था कि ये होने वाला है। हैरान करने वाली चीज है, आधुनिक तकनीक है। मतलब चिप पूरी तरह टूटा हुआ था, काम भी नहीं कर रहा था, लेकिन हमें नई दिशाओं में ले गया। मतलब जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे वैसा। मेरा सारा काम उस चिप पर आधारित है, उस चिप को मिटा देना होगा। हाँ डायसन, क्या तुम हमें उस जगह पे ले जा सकते हो? हाँ ले जा सकता हूँ। कब जाना है? इसी वक्त। इस वक्त? भविष्य जो हमेशा मुझे साफ दिखाई देता था, आज धुंधला सा नजर आ रहा था। लेकिन हम आज उसका सामना करने जा रहे थे। मशीन और इंसान की जंग का अंजाम क्या होगा, इसका फैसला करने जा रहे थे। विजेता कौन होगा ये तो मालूम ना था, पर हम इतिहास बनाने जरूर निकले थे। हेलो पॉल है ना? ये मेरे दोस्त हैं, बाहर से आए हैं। मैंने सोचा कि इन्हें मैं इन्हें ऊपर ले जाकर लैब दिखा दूं अपने यहाँ। माफ कीजिएगा मिस्टर डायसन, पर आपको हमारी कंपनी के नियम मालूम है? मेहमानों के बारे में हमारी पॉलिसी। जीना चाहते हो? अलार्म बजाने की सोचना भी मत। कोई नहीं है। वॉल्ट खोलने के लिए दो चाबियों की जरूरत होती है, दोनों को एक साथ लगाना होता है। मैं दूसरी चाबी लॉकर से निकाल सकता हूं। गिबन्स, गिबन्स कहां हो यार? तुम जानते हो ड्यूटी पर सोना मना है। कहां गया गिबन्स? अरे चलो। इस कार से वॉल्ट खुल जाना चाहिए। क्या हुआ? धत तेरे की, किसी ने अलार्म दबा दिया है। पूरी बिल्डिंग के कोड खुद ब खुद बदल गए हैं। अब कहीं भी कोई भी दरवाजा नहीं खुलने वाला है। हमें भाग जाना चाहिए। नहीं, अब हम नहीं रुकेंगे। ठीक है। आप लोग लैब में जाइए, इसे मैं खुलता हूँ। वही साथ में डायसन साहब भी हैं। हाँ, डायसन साहब और वो पागल औरत भी है। कुछ कीजिए सर, जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ फोर्स भेज दीजिए। मुझे लैब का कोड मालूम है, शायद वो अब भी काम करे। कोई फायदा नहीं है, हमारा तरीका आजमाओ। जॉन, आग लगने वाली है, बचना। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती, आग से गैस की टंकी पक गई है। जब तक गैस निकल नहीं जाती हमें सांस रोकनी होगी। ये गैस मास्क पहन लो। सब लोग काम में जुट जाओ। पहली
पहली अपराधी एक महिला है जिसका नाम है सैरा कॉनर, जो कल रात पागलखाने से फरार हो गई थी। दूसरा अपराधी वही शख्स है जिसकी तलाश पुलिस अफसरों के कत्ल के सिलसिले में है। दोनों अपराधी हथियारों से लैस हैं। लगा दिया है, एक और लगाना है, दो मिनट बचे हैं। दूसरा भी तैयार है, पर ये फटेंगे कैसे? रिमोट कंट्रोल से। चाबी मिल गई मुझे, बाहर पुलिस जमा है। पुलिस कितने हैं? गिनना मुश्किल है। जाओ मैं ये संभालती हूँ। चलो हम निपटेंगे पुलिस से। अरे रुको, तुमने वादा किया था। हाँ याद है हमें। वालों की संख्या शून्य शून्य। हमने अपना वादा निभाया जॉन।
दोनों चाबियां एक साथ घुमानी होंगी। एक दो तीन घुमाओ। हाँ, अब उसे निकालने से पहले तुम्हें दस्ताने पहनूंगा। भाड़ में गए दस्ताने। अब तुम्हारा स्काईनेट कंप्यूटर कभी नहीं बन सकता। अब चलो चलते हैं। तैयार है? हाँ तैयार है। अब चलना चाहिए, चलो। ये मास्क लो, काम आएगा। ठीक है, दरवाजा खोलने की तैयारी करो। रिमोट मुझे दो डायसन। और ये रिमोट अपने हाथ में रख पाऊंगा? भी आते हैं। अपने हाथ ऊपर करो।
हाथ ऊपर करो। खून डालो इसे। निकलना समझे? अच्छा मेरा अच्छा बेटा। हेलीकॉप्टर आ रहा है। उसमें विनाशक है। Thank you.
कोई है? बाप रे, ठीक तो है आप? चलो मां, हमें यहां से निकलना होगा। चोट तो नहीं लगी ना? तेरे की। चलो मां, चलो जल्दी, हमें तुम्हारा ट्रक चाहिए। चलो मां जल्दी, चलो रुको रुको, चलो ये क्या? बहुत खून बह रहा है, जोर से दबा के रखो। ये लो मेरा रुमाल, ये लो। वो पास आ रहा है। यही इसकी सबसे तेज रफ्तार है। इससे तेज तो मेरी साइकिल है। संभलना, वो तेरी तरफ से आ रहा है। देख रहा है, संभल के। तुम चलाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? गाड़ी दाईं तरफ घुमाओ। Thank you.
तेरी कहानी का अंत है विनाशक। फिर से जुड़ने वाला है। निकलो यहां से। इसी वक्त जाना होगा। Thank you.
पकड़ो चैन को, पकड़ो, अब जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। चलो माँ, माँ, चलो माँ, आ जाओ माँ, 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 चलो। दो जॉन को। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इससे दर्द होता है, मुझे पता है। आवाज दो जॉन को। इसी वक्त बुलाओ जॉन को। Thank you.
जॉन, जॉन मेरे पास आओ। मास आओ, आओ जॉन। हट जाओ सामने से जॉन। गोली मारो। तुम्हारी तो हालत खराब है। मुझे एक लंबी छुट्टी चाहिए। क्या वो मर गया? उसका विनाश हो गया। क्या ये भी गल सकता है? तेरी भी कहानी खत्म। और उचित भी। चलो ये भी खत्म हुआ। नहीं, अभी एक और चिप बाकी है। यहां, और उसे भी खत्म करना होगा। ये लो, हम खुद का विनाश नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हमें जाना होगा। नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज मत जाओ। हमें जाना ही होगा। नहीं, तुम मत जाओ, प्लीज मत जाओ। हम रुक नहीं सकते जॉन। नहीं नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। जाना ही होगा। ऐसा मत करो, रुक जाओ। ये किस्सा यहीं खत्म होना चाहिए। नहीं
मेरा हुक्म है कि तुम मर जाओ, मेरा हुक्म है कि तुम मर जाओ, मेरा हुक्म है कि तुम मर जाओ। अब हम समझे कि तुम रोते क्यों हो, पर हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। अलविदा। आखिर इंसाफ का दिन आ ही गया और अब एक अनजान भविष्य हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। शायद पहली बार मैं बड़ी उम्मीदें लेकर उसका इंतजार कर रही हूं, क्योंकि अगर एक मशीन इंसानी जिंदगी की कीमत समझ सकता है तो शायद इंसानों को भी एक दिन इसकी समझ हो जाएगी।